हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षाएं किस तारीख से शुरू होंगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है वह किस तारीख से शुरू होगा और आपका टाइम टेबल किस तारीख से आएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है आपके बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तब आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है यूपी का वह किस तारीख से शुरू होगा और टाइम टेबल आपका कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पेपर में यह दिया गया था कि बोर्ड परीक्षाएं 8 मई से शुरू होंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि बोर्ड परीक्षा 8 मई से कराने का प्रस्ताव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2021 का आयोजन 8 मई से कराना प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद स्कीम जारी करेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है कि योगी आदित्यनाथ जी की सहमति ली जाएगी, उसके बाद जो है कि स्कीम को जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग साफ हो गया है कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वह 8 मई से स्टार्ट होगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि बोर्ड परीक्षा पहले 24 अप्रैल से 12 मई तक प्रस्तावित थी। पंचायत चुनाव को मद्देनज़र परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक अब 8 मई से परीक्षाएं शुरू कराने का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है एकदम साफ साफ कि विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक अब जो है कि 8 मई से परीक्षाएं कराने का प्रावधान प्रस्ताव रखा गया है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है कि परीक्षाएं मई में ही संपन्न कराकर जून के अंत तक परिणाम घोषित कराने की योजना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो परीक्षा है वह मई महीने में ही ख़त्म करा दी जाएगी और जून में जो है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि परीक्षा केंद्र सहित अन्य व्यवस्थाएं पहले से ही तैयार है। तो जो आपका 24 अप्रैल से बोर्ड एग्जाम होने वाला था तो उसकी तैयारी जो है कि बहुत अच्छे से पहले से ही कर दी गई है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं लिखा गया है कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि मई के दूसरे सप्ताह में परीक्षाएं करने की तैयारी है। तो यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा, उन्होंने यह बताया कि मई के दूसरे सप्ताह में आपका बोर्ड एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो आपका टाइम टेबल है वह किस तारीख तक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपका टाइम टेबल है वह लगभग 10 से 15 तारीख के बीच में आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका टाइम टेबल 10 से 15 के बीच में कभी भी आ सकता है, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है वह 8 मई से लगभग शुरू होना है। तो लगभग एक महीने या 25 दिन पहले टाइम टेबल आ जाता है। तो अगर 8 मई से आपका पेपर स्टार्ट होगा तो 10 से 15 तारीख के बीच में आपका टाइम टेबल आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 10 से 15 तारीख के बीच में आपका टाइम टेबल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।